समुद्र से निकला रहस्यमय सोने का रथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवदा भक्ति चैनल में। समुद्री तूफान जब भी आता है, गुस्से से उछाल भरी लहरें बड़े बड़े जहाजों को यहाँ वहाँ फेंक आती हैं। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले की सुनापल्ली तट की है। मंगलवार शाम को यहाँ पर सोने के रंग की परत चढ़ा एक खूबसूरत रथ बहते हुए आ गया। माना जा रहा है कि ये रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड से बहकर यहाँ आया होगा। हालांकि संतावोमल्ली के तहसीलदार जे चलमैया ने कहा है कि यह रथ किसी दूसरे देश से नहीं आया होगा। उन्होंने कहा है कि रथ का इस्तेमाल भारतीय तट पर कहीं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए किया गया होगा। समुद्र में बहते रथ को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने उसे रस्सियों से बांधकर किनारे तक पहुंचाया। रथ का आकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक मठ जैसा है। रथ के चक्रवात और फानी के प्रभाव से भटककर यहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान और फानी का खतरा फिलहाल टलता जा रहा है। अभी इसका रुख आंध्र प्रदेश की तरफ है। तूफान के 12 मई तक पूरी तरह कमजोर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके असर से आंध्र प्रदेश समेत बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 11 मई से 13 मई तक बारिश होने और तूफानी हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।